यूडीसी की लिस्ट जो फाइनल लिस्ट जो आई हुई थी जिसमें आपके बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स अलग अलग रीजन वाइज थे, तो उसमें मैंने सॉर्ट करके मैंने अलग अलग रीजन वाइज आपका जो कट ऑफ है वो भी मैंने आपको लिखा हुआ है। अब इस कट ऑफ के ऊपर जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स हैं, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से सेफ हैं। और ये जो कट ऑफ है ये आपकी फाइनल कट ऑफ मैंने वैकेंसी को लेकर प्रिपेयर करी। ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर आपकी टोटल वैकेंसी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी वो भी लिखा हुआ है, और साइड में आपकी टोटल एक्चुअल जो कट ऑफ जो आपकी अलग अलग रीजन में जा सकती है, जो आपकी अलग से एक जो लिस्ट है रीजन वाइज आपकी आउट होगी डीवी की लिस्ट, ठीक है, उसमें इस कट ऑफ के ऊपर कैंडिडेट्स का ही नाम होगा। हो सकता है कि यूआर ओबीसी में हो सकता है एक एक मार्क्स का थोड़ा डिफरेंस हो, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। जो मैंने एक्जैक्ट लिखा है वो पूरा अच्छे से देख के लिखा है, और इस एक्सेल शीट को वो एक्सेल आप डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसी से एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो पीसी वगैरह में डाल के भी आप अपने रीजन वाइज चेक कर सकते हैं। नीचे सीट सारी अलग अलग दी गई है, एक दो रीजन का लगभग एक तो नहीं, दो से तीन रीजन का नहीं है, तो उसका मैं अपडेट कर दूंगा अभी आपका थोड़ी देर में, एक घंटे भर बाद आपका अपडेट हो जाएगा। तो आप जाइए जरूर देखिए, जिन स्टूडेंट्स का नाम है आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नाम नहीं है नेक्स्ट आगे आने वाली रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन में लग जाओ, आपका वेटिंग लिस्ट में नाम जरूर होगा। और जैसे ही ये सारी चीज़ें होंगी, आपकी डीवी की लिस्ट सारी चीज़ें जैसे ही आउट होंगी वैसे ही आपके अलग अलग रीजन वाइज आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आपका डीवी लिस्ट का है।